आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आसान टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वर्नर थ्योरी हमने पहले पढ़ा था, वर्नर थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक थे। वर्नर थ्योरी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और कुछ एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उस फिर आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई जिसने कुछ चीजें एक्सप्लेन की है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं समझ में आया मुझसे बार बार पूछ लेना। राइट, डालो बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह फाइंड किया था हमने, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल एटम के, जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल एटम के, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद भाई हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम या सिमिलर होती है और इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हैविंग सेम एनर्जी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी एंड सेम शेप। उसके बाद फिर लीगेंड बॉन्ड बनाते हैं। लीगेंड के जो फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, चलो हाँ, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब प्योर ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। चलो ड्रॉबैक नहीं बताए थे, हाँ तो अब मैंने बता दिया ना बेटा, ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया, दो तीन ड्रॉबैक है, वो तुमको ध्यान में रहेंगे, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। वर्नर थ्योरी के ड्रॉबैक, पहली बात तो वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डायमैग्नेटिक या सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, कुछ एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वर्नर थ्योरी। नोट कर लिया, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के और नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो अब करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, इससे हाइब्रिडाइजेशन मालूम चलती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हाइब्रिडाइजेशन होती क्या, ये हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम हैविंग सेम और स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ठीक है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल इसके अंदर देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उसके बाद जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल से। नोट करो ये दो तीन पॉइंट, सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल से, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं लिगेंड के फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। पढ़ाया था ना हमने कि लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। चलो अब ये ध्यान रखना, देखो हाइब्रिडाइजेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन आती है, तो ये टेबल ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दो आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर टू होगा कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। नोट करो, हाइब्रिडाइजेशन होगी एसपी और ज्योमेट्री हो जाएगी, ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर दो होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी होगा, ध्यान रखना है ना, हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा और ज्योमेट्री हो जाएगी बेटा लीनियर। एग्जांपल
लिख लो एग्जांपल भी, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे. सी यू सी एन का होल ट्वाइस माइनस ए जी सी एन का होल ट्वाइस माइनस. ठीक है देखो कोऑर्डिनेशन नंबर दो होगा तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी बेटा. ठीक है इससे पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एसपी होगी. तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर दो है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है ज्योमेट्री कितनी होगी लीनियर होगी, एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा. क्लियर है और भी देख लो एजी एजी एनएच थ्री का होल ट्वाइस प्लस भी फाइंड करना भी सीखेंगे. अभी तो एग्जाम्पल लिखो आप लोग फिर कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखेंगे. ठीक है साथ साथ लिखते जाओ एग्जाम्पल भी लिखते जाओ साथ साथ आराम आराम से. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तीन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू होगी और शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, है ना ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी. ये नोट कर लो ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है ट्राइगोनल प्लेनर एग्जाम्पल लिख लो एच जी एच जी आई थ्री माइनस, है ना कोऑर्डिनेशन नंबर तीन है देखो लिगेंड्स तीन है एच जी आई थ्री माइनस. आसान भी है पर इसमें एक्सेप्शन भी है. आज पूरे पीरियड में यही चल रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं इसके, मेडिकल आईडी में भी जरूर आते हैं, इस साल भी आया है. कौन सा क्वेश्चन आएगा भी आपको बताऊंगा, जो कई बार कराया हुआ था वही क्वेश्चन आया था. लेकिन क्या करते हैं आईआईटी में कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं. अब इसमें आइसोमेरिज्म में भी मिक्स किया था, एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन था. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी मिक्स किया था, मैग्नेटिक मोमेंट भी मिक्स किया था. एग्जाम्पल में क्या लिखा है फर्स्ट में बेटा एग्जाम्पल में सी यू सी एन का होल ट्वाइस माइनस ए जी सी एन का होल ट्वाइस माइनस ऊपर ए जी एन एस थ्री का होल ट्वाइस प्लस. ये है फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल. इसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा, ध्यान रखना अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री भी हो सकती है और डीएसपी टू भी हो सकती है. ध्यान रखना डीएसपी टू कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री भी हो सकती है और डीएसपी टू भी. अब यहां पर अगर ऑप्शन में एसपी थ्री और डीएसपी टू तो हमें फिर फाइंड करना होता है ना. एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन लिखो पहले, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी. ठीक है एग्जांपल लिखो बेटा. देखो ये एग्जांपल FeCl4 और माइनस, ये आईआईटी में कल ही आया है एग्जांपल NiCl4 2 माइनस. ठीक है ये FeCl4 2 माइनस कल ही पूछा गया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया था FeCl4 2 माइनस. देखो कोऑर्डिनेशन नंबर चार होगा तो बेटा दो केस हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर. फॉर एग्जांपल देखो एजी एस टू ओ थ्री का होल ट्वाइस एजी एस टू ओ थ्री का होल ट्वाइस थ्री माइनस, है ना. देखना एजी पर ऑक्सीडेशन में प्लस वन होना चाहिए, प्लस वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो थ्री माइनस आएगा या टू माइनस, चेक करना इसको, है ना. एस टू ओ थ्री का होल ट्वाइस थ्री माइनस, एक बार चेक करना. स्ट्रक्चर सब बनवाऊंगा बेटा, हाँ प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए एजी पर. ठीक है प्लस वन ये सही है ओके. और लिखो जेड एन एन एस थ्री का होल फोर, जेड एन एन एस थ्री का होल फोर स्ट्रक्चर बनवाऊंगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी ये भी मालूम चलेगा. अभी लिख लो फिलहाल, आज ही क्लियर हो जाएगा तुम्हें, चिंता ना करो.
है ना। तो ये एग्जांपल हो गए टेट्राहेड्रल के, ये सारे एग्जांपल टेट्राहेड्रल के हो गए, क्लियर है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 की होगी। अब ध्यान रखना बेटा, डी मैंने क्लास 11 में बताया था, डी टोटल कितने होते हैं, डी टोटल 5 होते हैं, डी ऑर्बिटल, और पांचों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दोनों क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं अलोंग द एक्सिस, ये एक्सियल होते हैं है ना, और ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इनके लूप क्या होंगे, बिटवीन द एक्सिस होंगे ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे होता है, चारों लूप एक्स और वाई एक्सिस पर होते हैं, और डी जेड स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे है ना, ये जेड एक्सिस और ये इलेक्ट्रोडेंसिटी इस तरह से भी होती है ना। तो बेटा ध्यान रखना, DSP2 में जो डी यूज होता है वो क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ लिया जाता है, DSP2 में जो डी यूज होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी मालूम ही चलेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों यूज हो रहा है ना, इसकी ज्योमेट्री से ही पता चल जाता है और धीरे धीरे सारी चीजें मालूम चलेंगी। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है, ठीक है। dsp2 के एग्जांपल लिखो, अच्छा dsp2 होगा तो शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी है ना। एग्जांपल लिखो, CuNH3 का होल 4 प्लस 2 PtCl4 माइनस PtNH3 का होल 4 प्लस 2, और बहुत सारे एग्जांपल है, NiCN4 CnSiNide टू माइनस। अब देखो यहां तो ये आ रहा था टेट्राहेड्रल है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, इसका रीजन अभी हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ऐसा क्यों है, लिगेंड चेंज होने पर, सेंट्रल मेटल एटम चेंज होने पर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो शेप अलग हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन अलग हो गई है, उसका रीजन अभी आपको मालूम चलेगा। थर्ड एग्जांपल है बेटा PtNH3 का होल 4 प्लस 2, और ये 4 है NiCl है ना, Cl का होल 4 2 माइनस, ठीक है। थर्ड एग्जांपल आ रहे हैं PtNH3 का होल 4 प्लैटिनम, अमोनिया का और 4 प्लस 2, NiDMG का और ट्वाइस, और लिख लो एग्जाम्पल NiDMG डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट तो बताया था मैंने आपको है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एक है पर, ऐसे CuEn का और ट्वाइस प्लस 2 DMG, Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, क्योंकि DMG हो गया बाइडेंटेड लिगेंड, सही है, DMG bidentate ligand, साथ साथ कवर करते जाओ, जितना पढ़ाते जाओ साथ साथ रिवाइज करो। देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, मैं मिटा रहा हूं इसको, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तब भी दो शेप होती है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तब भी दो शेप होती है, एक तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और एक स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 या सॉरी d और dsp3 sp3d और dsp3 एक ही बात है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, dsp3 मैंने d बाहर लिखा है d अंदर लिखा, इसका समझ में आ जाएगा है ना, sp3d और dsp3 दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं, sp3d और dsp3 ध्यान रखना, और दो ही ज्योमेट्री होंगी इसके अंदर। देखो एक अगर d जो है z स्क्वायर होगा यूज तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ध्यान रखना है। एसपी थ्री डी और डीएसपी थ्री, किसी में एसपी थ्री डी लिखे किसी में डीएसपी थ्री, तो डी अगर डी आउटर वाला यूज होगा, आउटर, आउटर मतलब जैसे आयरन है, आयरन का थ्री डी इनर होगा और फोर डी आउटर होगा, है ना, अगर थ्री डी वाला यूज हो रहा है तो डीएसपी थ्री, फोर डी वाला यूज हो रहा है तो एसपी थ्री डी, अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो तुम्हें क्लियर होगा, है ना, एसपी थ्री डी या डीएसपी थ्री। कोऑर्डिनेशन नंबर पांच, अगर डी जेड स्क्वायर यूज हो रहा है तो ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हो रहा है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। अब डी जेड स्क्वायर का एग्जाम्पल लिख लो, एफ ई सी ओ फाइव, एफ ई सी ओ का होल फाइव, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव है, एफ ई सी ओ फाइव, एम एन सी ओ का होल फाइव, ठीक है, एम एन सी ओ का होल फाइव, नोट करते जाओ, एफ ई सी ओ फाइव, एम एन सी ओ का होल फाइव, CuCl5 3 माइनस, CuCl5 3 माइनस, ये माइनस है, CuCl5 3 माइनस, देखो आप राइट में दिखाई दे रहा है, ये CO है ना, नोट कर लो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद नहीं करने, इनको हम फाइंड करना सीखेंगे, CuCl5 3 माइनस, और dz स्क्वायर इसका एग्जांपल लिख लो, ni cn का होल 5, ये एग्जांपल cn का होल 5 और 3 माइनस, लिख लो एग्जांपल, स्क्वायर पिरामिडल का एग्जांपल, ना परेशान नहीं होना, अभी रटना नहीं है, FeCO5 की पावर कुछ नहीं है बेटा, जीरो है, FeCO5 की पावर जीरो है, अभी कोई एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, इनके हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे इनको, अरुण नहीं समझ आ रहा, अभी मैंने समझाया कहा बेटा, अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी तो कुछ समझाया नहीं, अभी सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी ये ऐसा ही क्यों है ये इसके बाद आएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो ये dz स्क्वायर वाले ये हो गए सारे, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यूज होगा तो ये हो गए, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो sp3d और dsp3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये ही क्यों होगा ये मालूम चल जाएगा, क्लियर है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ध्यान रखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3, ठीक है, इसमें भी वही है, d2 बाहर वाला d, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, उनमें 3d यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3 d2sp3 है ना, इनर, ये इनर, और ये आउटर डी, फोर डी यूज हो रहा है, तो कैसे यूज होगा और एग्जांपल करेंगे पूरा। अब इसमें ध्यान रखना दो डी यूज होते हैं, कौन कौन से, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्सियल वाले, है ना, एक्सियल वाले डी यूज होते हैं, नोट कर लो, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। अच्छा ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, एग्जाम्पल एफ ई सी एन का होल 6 3 माइनस, एफ ई सी एन का होल 6 4 माइनस, सी ओ एन एस 3 का होल 6 3 प्लस, CO H2O का होल 6 3 प्लस, ये सारे एग्जाम्पल होंगे D2SP3 के, SP3D2 के एग्जाम्पल लिख लो, CO NH3 का होल 6 प्लस 2, CO F6 3 माइनस, Fe
एफ सिक्स थ्री माइनस। लास्ट एग्जाम्पल क्या है? लास्ट एग्जाम्पल बेटा एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस, एफ ई एफ सिक्स थ्री माइनस। ठीक है चलो आगे देखो, जैसे ये आ गया जेड एन एन एच थ्री का होल फोर प्लस टू, है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर चार है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार होता है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री भी हो सकती है और डीएसपी टू भी हो सकती है। एक और होती है मैंने लिखा नहीं लिखाई है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार है तो एसपी थ्री हो सकती है, डीएसपी टू हो सकती है और डी थ्री एस, ये है नहीं सिलेबस में, डी थ्री एस है ना, लिख लो, हो सकता है केवीपीवाई में आ जाए डी थ्री एस। तो एसपी थ्री भी हो सकती है, डीएसपी टू भी हो सकती है, डी थ्री एस। डी थ्री एस में जो डी यूज होता है बेटा डीएक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड, इसमें शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रली होती है। यहां भी शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रली होती है। और यहां क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है ना। और इसके अंदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है MnO4 minus N, CrO4 2 minus N, ठीक है, और VO4 3 minus N एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो यहाँ हम फंस गए कि भाई sp3 होगा, dsp2 होगा या d3s होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं जो खाली होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम सिमिलर और खाली होते हैं, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहला काम आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, सबसे पहला काम फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्या है बेटा, इसको हमने एक्स मान लिया, अमोनिया पर चार्ज कितना होता है? जीरो होता है, फोर इंटू जीरो इज इक्वल टू प्लस टू, ऊपर चार्ज प्लस टू है तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू आ गया। ये पूरा प्रोसीजर से मैं इसलिए बता रहा हूँ, बोर्ड में आएगा तो आपको ऐसे लिखना है, बोर्ड में जरूर आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड केस में आप क्या लिखोगे? ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम लिख लो जरा, जिंक का है ना, आउटर लिख लो, चलो पूरा लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस 2, तो कितना रह गया? 4s0। अब आपको सिर्फ आउटर लिखना है, 3d तो फुल है ना, फुल है, यहां पर सारे फुल ही है, तो 4s भी प्रेजेंट होगा, 4b भी प्रेजेंट होगा, तो 3d तो फुल है, तो लिख लो फिर भी, ऐसे लिखो 3d, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 4s खाली, 4b खाली, 3d भरा हुआ है पूरा, 4s खाली है, 4b खाली है। अब देखो यहां पर लिगेंड कितने? चार लिगेंड है। अब समझना बेटा, d तो भरा हुआ है, अब sp3d, dsp2 या d3s तो हाइब्रिडाइजेशन होनी नहीं है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि सेंट्रल एटम के एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लिख लो, नहीं लिखा तो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर चार है तो चार आउटर जो शेल है, वैलेंस शेल, उसके चार एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, खाली d तो खाली नहीं है, 3d तो खाली नहीं है, यहां 4s और 4p है, तो बेटा 4s और 4p ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे बोलो? चार खाली एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? चार ही बनाएंगे, है ना। ये रूल होता है, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। तो चार एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स तो चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, बना लो चार हो हाइब्रिड ऑर्बिटल चार, और क्या होंगे? ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, क्यों? s और 3p मिक्स हो रहे थे ना, एक s और 3p मिक्स हो रहे थे,
तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। अब ये खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, लिगेंड कितने हैं, चार लिगेंड है, ठीक है। तो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड का फिल्ड ऑर्बिटल, अमोनिया है ना लिगेंड, है ना, इसमें फिल्ड ऑर्बिटल है, तो लिगेंड का फिल्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, मतलब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं ऐसे बना देता हूं, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ गए, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ गए, या चलो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे रिप्रेजेंट करते, ये आ गए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, sp3। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सेंट्रल एटम के एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, कौन से जो खाली होते हैं, तो डी तो भरा हुआ है, डी तो मिक्स नहीं होगा, यहां बात खत्म हो गई, है ना। इनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, 4s और 4p लगभग बराबर सेम है ना, पूरी तरह सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, चार, क्योंकि चार बॉन्ड बनाने हैं अमोनिया को, ठीक है, चार इसको खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो ये चारों खाली है, अमोनिया चार है, तो अमोनिया दो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और अमोनिया का फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के आ जाएंगे, इसमें दो आ जाएंगे, ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका जिंक है ना, ये खाली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिंक का, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। और अमोनिया का क्या होगा बेटा, फील्ड ऑर्बिटल, तो फील्ड ऑर्बिटल में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे दो, ये दे दिए, अमोनिया के फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे दो, इसको दे दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के दिखाते हैं, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन दो इसमें चले गए, ऐसे दिखा लो, ये जिंक अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, पता है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। ध्यान रखना ZnNH3 का होल 4+2, पूछ लिया कि भाई जिंक और अमोनिया का जो बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो क्या बताओगे, जिंक का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और अमोनिया का फिल्ड ऑर्बिटल, अमोनिया का फिल्ड ऑर्बिटल जिसमें भी इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। चलो अब मुझे बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा जीरो, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ZnNH3 का होल 4 में नहीं बचा। मैग्नेटिक मूवमेंट का तो फॉर्मूले को पहले, ये होता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू bm, bm इसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन, तो बेटा n की वैल्यू जीरो, तो म्यू की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, नोट कर लो। शेप क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप, आई बात समझ इतनी। बेटा sp3 ही क्यों बनाएगा, क्योंकि s और p तो खाली है ना, d तो भरा हुआ है, और वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है, एस और पी खाली थे, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, और चार एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, उनके साथ अमोनिया ओवरलैप कर गया। वैसे जो NH3 का है ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है NH3 का भी, अमोनिया का भी, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, होती नहीं होती है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, और sp3 में ही होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भरा ऑर्बिटल क्या होता है, sp3 होता है अमोनिया में, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। गोविंद जी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है L(n+2), n क्या है यहां पर, n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है क्या इसमें, कोई नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, ठीक है।
चलो इतना नोट करो, फिर आगे एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा, चीज चले गई होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो जो कल आईआईटी एडवांस में आया है फी सीएल फोर और माइनस है ना, करके देखो आपको क्या बताना है। सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले क्या बताना है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तीसरा आपको इसकी ज्योमेट्री बतानी है। चौथा मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। चलो हो जाओ शुरू, बताओ फटाफट। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ठीक है, पहला सही हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस थ्री, ठीक है ठीक है। देखो भाई हाँ, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फर्स्ट, तो होगा x प्लस सीएल पर होता है माइनस वन, फोर इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स कितना आएगा, प्लस थ्री आएगा। सेकेंड आप देखो ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन Fe का, तो क्या होता है बेटा Fe का 3d6 4s2, 4p खाली, जरूरत पड़ता है तो 4d खाली, पर चार ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखो ध्यान से फिर 3d6 4s2 4p 0 4d 0, क्लियर है ना, ये मैंने आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया ठीक है ना, 3d6 4s2 4p 0 4d 0। अब कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, तो चार ही एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये था ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर तीन आया तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऐसे, एक निकलेगा डी से, ध्यान रखना दो ऐसे डी से, ऐसे लिखो, ये है आपका डी है ना, 3d 6, 1 2 3 4 5 6, छोटी छोटी चीजें तो ध्यान रखना, ये 4s ये 4p खाली, जरूरत पड़ता है तो 4d खाली, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4s है, 2 4p है और ये 4d है। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने बेटा, अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3 आया, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलता कहां से, ज्यादा एनर्जी वाले से, 4s की एनर्जी ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, और यहां से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अनपेयर्ड या पेयर वाला, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, भाई 3 निकालने हैं ना, पेयर वाला निकलेगा, बिल्कुल सही है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, अब एक क्या निकला, पेयर वाला। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या आ गया, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये खाली, 4p भी खाली, 4d लिखने की जरूरत नहीं है, 4s खाली 4p खाली। अब आप देखो कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, 4 है, तो हमें 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो 4s और 4p खाली है भाई, यहां तो ये d हाफ फिल्ड है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। यहां पर देखो ये क्या 3d खाली है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 4s और 4p 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इंटरमिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स होने के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे ठीक है, sp3 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 sp3, और हमारे लिगेंड कितने हैं, 4 है, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हो गई ठीक है, बोलो क्लियर है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 2 3 4 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5, बिल्कुल सही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट √35 हो गया, 5 × 5 + 2 √35 bm, अंडर रूट की वैल्यू बताओ, 35 कितना होगा, 5.89 bm, ये आंसर आएगा ना, काफी लोगों ने निकाल दिया। देखो बेटा ध्यान रखना, इसके अंदर इसको अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, नाम लिखो
स्पिन फ्री हाई स्पिन, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो हाई स्पिन और स्पिन फ्री एक ही बात है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन और स्पिन फ्री, क्लियर है? रूट 35 की वैल्यू 5.9 में आएगी, 5.89 ही आएगी सर। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। चलो नोट कर लिया बेटा उसको। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर लिगेंड की कुछ फील्ड स्ट्रेंथ होती है, अभी मैं और इसकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एक्सपेरिमेंटल होती है। पहली बात तो उससे पूछोगे ऐसा क्यों, तो ये होती है बेटा एक्सपेरिमेंटल, केमिस्ट्री में बड़ा आसान है, किसी का रीजन ना बताओ तो एक्सपेरिमेंटल बोल दो, एक्सपेरिमेंटल, और ये एक्सपेरिमेंटली होती है, ऐसी बात नहीं है नहीं पता है तब बोल रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंटल। फील्ड स्ट्रेंथ मतलब समझ में आएगा अभी आपका, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, इसी साल मेडिकल में क्वेश्चन आया इसका, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मतलब अभी पता नहीं चलेगा, अभी आपको ऑर्डर लिखना है फिर मतलब इसका एक्सप्लेन करूंगा। सबसे कमजोर आई माइनस, इसके बाद बी आर माइनस एन, नोट कर दिया ना सर, आई माइनस की फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, फिर बी आर माइनस एन की, फिर एस माइनस टू, फिर एस सी एल माइनस, एस माइनस टू एस सी एल माइनस एन, फिर सी एल माइनस एन, एफ माइनस एन, ओ एच माइनस एन, लिखते जाओ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा रहा हूँ, फिर फील्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसके बाद सी टू ओ फोर टू माइनस एन, सी टू ओ फोर टू माइनस एन, इसको मुझे याद कराना पड़ेगा तुम्हें, इस बार भी क्वेश्चन आया हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद ओ माइनस टू, ओ माइनस टू, ठीक है, ऑक्साइड, इसके बाद एच टू ओ, एन सी एस माइनस, एच टू के बाद एन सी एस माइनस, इसके बाद एन एच थ्री, इसके बाद ई एन, एन ओ टू माइनस, ये है बेटा साइन ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, ये साइन, EN के बाद NO2 माइनस, ठीक है, NO2 माइनस के बाद CN माइनस, फिर CO। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब अभी मैं आपको बताता हूं, CO देखो ये जो सारे होते हैं ना, यहां से H2O से आगे वाले सारे, ये सारे, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है, और बाकी जो हो गए सारे ये इनको छोड़ के बाकी वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये क्या कर देते हैं, ये स्प्लिटिंग कर देते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन यही समझ में, लेकिन बार बार जब मैं कराऊंगा ना इसको तो क्लियर हो जाएगी चीजें, अभी लिखो सिर्फ, है ना, ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, सबसे जब भी ये लिगेंड है बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल एटम से तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो याद रखनी है, एनसीईआरटी की सीरीज है, दो बार कराऊंगा। देखो ये क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ये जो लिगेंड होते हैं ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर देते हैं, ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर देते हैं, है ना, ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, ये डी एक्स जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर देते हैं बेटा, ये दो पार्ट में तोड़ देते हैं इसको, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, ये दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, इनकी एनर्जी अलग, इनकी एनर्जी अलग,
जो वैसे तो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, पांच के पांच ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, लेकिन जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, है ना, इनकी तीनों की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ध्यान रखना दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, लिख लेना डी ऑर्बिटल स्प्लिट इंटू टू पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिससे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, चलो अभी इतना ही।